वेलकम टू माय चैनल आज जो टॉपिक हम लर्न करेंगे दैट इज ट्रेड यूनियन टॉपिक एकेडमिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और खास तौर पर कम्पिटेटिव एग्जाम में भी इस टॉपिक से लाजमी सवाल पूछे जाते हैं तो इस टॉपिक की सिग्निफिकेंस को मद्देनजर रखते हुए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रेड यूनियन का क्या मतलब है और डिफरेंट ऑथर्स ने ट्रेड यूनियन के हवाले से जो डेफिनेशन दी हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे और साथ में हम ये भी जानेंगे कि ट्रेड यूनियन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके क्या फंक्शन है और वर्कर्स क्यों ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करते हैं मजीद हम ट्रेड यूनियन के हवाले से मेजर क्रिटिसिज्म को भी डिस्कस करेंगे तो ये तमाम पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं. So it, ये बहुत वीडियो है आप सबके लिए तो आइए अब हम सीखते हैं ट्रेड यूनियन के बारे में सबसे पहले हम ट्रेड यूनियन का मतलब समझते हैं एक बात में आप सबको क्लियर कर दूं कि ट्रेड यूनियन को लेबर यूनियन भी कहा जाता है एंड बोथ टर्म्स आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबली क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश में ट्रेड यूनियन की टर्म को यूज किया जाता है जबकि अमेरिकन इंग्लिश में लेबर यूनियन की टर्म को इस्तेमाल किया जाता है अब एक सिंपल सी डेफिनेशन से मैं आपको ट्रेड यूनियन को एक्सप्लेन करता हूं अ ट्रेड यूनियन इज अ ग्रुप फॉर्मड बाय एम्प्लाइज ऑफ द सेम ट्रेड फर्म कंपनी और इंडस्ट्री टू सेफ गार्ड देयर एम्प्लॉयमेंट राइट्स सैलरीज और फाइनेंशियल बेनिफिट वर्किंग कंडीशन एटसेट्रा फ्रॉम द एम्प्लॉयर मतलब कि ट्रेड यूनियन एक ग्रुप है जो किसी भी कंपनी फार्म इंडस्ट्री या एक ही बिजनेस से ताल्लुक रखने वाले वर्कर्स जो हैं वो आपस में मिलकर बनाते हैं ताकि वो अपने एंप्लॉयमेंट राइट्स एज सैलरी या फाइनेंशियल बेनिफिट्स वर्किंग कंडीशंस हो सकती हैं उनको प्रोटेक्ट करें फ्रॉम द एंप्लॉयर अब यहां प्रोटेक्शन फ्रॉम द एंप्लॉयर से मराद यह है कि इंप्लॉयर अपनी मर्जी से वर्कर्स के लिए टर्म्स एंड कंडीशन ना बनाए उनकी इंप्लॉयमेंट के ना ही अपनी मर्जी से उनकी सैलरी को डिसाइड करें या वर्कर्स के राइट्स को वायलेट करें बल्कि सब वर्कर्स मिलकर एक आवाज बनकर अपने इंप्लॉयमेंट राइट्स के लिए इंप्लायर से बातचीत करें इसी को ट्रेड यूनियन का नाम दिया गया यानी कि लोग जो हैं वो आपस में इंप्लाइज वर्कर्स वो इकट्ठे होते हैं वो मिलकर एक आवाज बनकर अपनी एक यूनियन बना लेते हैं अपना एक जत्था बना लेते हैं और इस जत्थे का मकसद यह होता है कि वो फिर इंप्लायर से बातचीत करते हैं अपनी इंप्लॉयमेंट के हवाले से उसका पर्पज क्या है ताकि वो अपने राइट को सेफगार्ड कर सकें डेफिनेशन को देखते हैं ट्रेड यूनियन इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स अब क्या है जी ट्रेड यूनियन वर्कर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है अब चूंकि ऑर्गेनाइजेशन की टर्म को इस्तेमाल किया गया है यहां पे इससे बराद यह है कि ट्रेड यूनियन का भी बाकायदा एक स्ट्रक्चर होता है जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का होता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तीन फैक्टर्स पर बेस करती है नंबर वन टू और मोर देन टू पीपल हु वर्क टूगेदर नंबर टू कॉमन पर्पस एंड नंबर थ्री डेलिबरेटेड स्ट्रक्चर अब ये तीनों फैक्टर्स जो हैं वो ट्रेड यूनियन में भी होते हैं जहां पे दो या दो से ज्यादा वर्कर्स होते हैं अब उनका भी मकसद है इकट्ठे होने का वो मकसद क्या है अपने एंप्लॉयमेंट राइट्स को प्रोटेक्ट और मेंटेन करना और इनका भी बाकायदा एक स्ट्रक्चर होता है जिससे मराद ये है कि उस यूनियन में जो लोग हैं उनकी बाकायदा ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइंड है चेन ऑफ कमांड भी डिफाइंड होती है उनकी गवर्निंग बॉडी भी डिफाइंड है और गवर्निंग बॉडी को कैसे फॉर्म करना है उसके हवाले से इलेक्शन वगैरह अब ये सब काम एक सिस्टमैटिक वे में किए जाते हैं इसलिए ट्रेड यूनियन के बारे में कहा जाता है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है तो फिर दोबारा रिपीट करूं ट्रेड यूनियन इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर तो यहां तक तो बात आपको क्लियर होगी कि इसको ऑर्गेनाइजेशन क्यों कहा जाता है अब इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का एक मकसद है वो मकसद क्या है इंटेंट ऑन मेंटेनिंग और इंप्रूविंग द कंडीशन ऑफ देयर इंप्लायमेंट यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स की इंप्लॉयमेंट के हवाले से टर्म्स एंड कंडीशन को डिसाइड करना और उनको वक्त के साथ साथ इंप्रूव करना अब वो इंप्लॉयमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन क्या हो सकती है सच एज अटेनिंग बेटर वेजेस एंड बेनिफिट्स इंप्रूविंग वर्किंग कंडीशन इंप्रूविंग सेफ्टी स्टैंडर्ड अस्टैब्लिशिंग कंप्लेन प्रोसीजर्स डेवेलपिंग रूल्स गवर्निंग स्टेटस ऑफ इंप्लाइज इसी तरह से प्रोटेक्टिंग एंड इंक्रीजिंग द बार्गेनिंग पावर ऑफ वर्कर्स मिसाल के तौर पर वर्कर्स की सैलरी या फाइनेंशियल बेनिफिट को डिसाइड करना यह रोल है ट्रेड यूनियन का वर्किंग कंडीशन को इंप्रूव करना वर्कर्स के लिए उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करवाना अगर किसी वर्कर को एक कंप्लेन है तो उसकी कंप्लेन को हैंडल करने का बाकायदा प्रोसीजर डिवाइस करना वर्कर्स की जॉब के गवर्निंग रूल्स को स्टैब्लिश करना जैसे हायरिंग या प्रमोशन का तरीकेकार हो गया अगर किसी वर्कर को नौकरी से फारज भी करना है तो बाकायदा एक प्रोसीजर के तहत उसको टर्मिनेट करना मजीद यह कि वर्कर्स की अहमियत को डेवलप और प्रोटेक्ट भी करना ताकि वर्कर्स की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाए मजीद यह कि इंप्लायर वर्कर्स की एम्प्लॉयमेंट के हवाले से कोई भी फैसला उनकी मर्जी को शामिल किए बगैर ना करें अब ये सारे मामला वर्कर्स की इंप्लायमेंट के हवाले से हैं जिनको डेवलप करना मेंटेन करना और प्रोटेक्ट करना ट्रेड यूनियन का काम होता है तो उम्मीद करता हूं कि ट्रेड यूनियन का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ ट्रेड यूनियन अकॉर्डिंग टू एडविन डी फिलिपो अ ट्रेड यूनियन इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स फॉर्म टू प्रमोट प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव थ्रू कलेक्टिव एक्शन द सोशल इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर फिलिपो के मुताबिक ट्रेड यूनियन वर्कर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इसलिए बनाया जाता है ताकि तमाम वर्कर्स आपस में मिलकर अपने पोलिटिकल सोशल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट प्रोटेक्ट और इंप्रूव करें फिलिपो की ये डेफिनेशन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं देखिए ट्रेड यूनियन एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स है जो मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का मकसद यह है कि वर्कर्स ये चाहते हैं कि उनके तमाम राइट्स और बेनिफिट्स का सेफ किया जाए और कोई भी उनको वायलेट ना करें और वो ये भी चाहते हैं कि उनको अच्छी सैलरी दी जाए अच्छा वर्किंग एनवायरमेंट मुहैया किया जाए और किसी भी मामले में वो सब मिलकर अपने राइट्स के लिए आवाज उठाएं अब ये सब काम कौन करेगा इसके लिए उन्होंने मिलकर एक ट्रेड यूनियन बना ली है अब ये ट्रेड यूनियन जो है एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है वो वर्कर्स के इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी कि वर्कर्स के लिए वेज और फाइनेंशियल बेनिफिट्स को डिटरमाइन करना सोशल इंटरेस्ट Means के वर्कर्स का वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा होगा कैसे उन्हें उनकी वर्क प्लेस पर ट्रेड किया जाएगा और फिर पोलिटिकल लेबर से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन करना अब इन तीनों इंटरेस्ट का ख्याल वर्कर्स की ट्रेड यूनियन रखती है जिसमें सब आपस में मिलकर एक दूसरे के हकूक की हिफाजत करते हैं और अपनी जॉब्स को बेहतर बनाने की कोशिश जारी रखते हैं नेक्स्ट एक और डेफिनेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू रिचार्ड ए लिस्टर वो कहते हैं कि ट्रेड यूनियन मींस एन एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स इन वन आर मोर ऑक्यूपेशन एन एसोसिएशन कैरिड आउट मेनली फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड एडवांसिंग मेंबर्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन कनेक्शन विद देर डेली वर्क इस डेफिनेशन में भी यही बात की गई है कि ट्रेड यूनियन एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स है जो एक दूसरे को सपोर्ट करता है और मेक श्योर करता है कि तमाम वर्कर्स को अच्छे और मुनफाना और ऐसा करने के लिए वर्कर्स आपस में मिलकर काम करते हैं और अपने इकोनॉमिक हैं ऑफ ट्रेड यूनियन की इसमें सबसे पहले इन द लाइट ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड द प्रिवेलिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब कि ट्रेड यूनियन का ऑब्जेक्टिव है कि वो ये मेक श्योर sure करे तमाम वर्कर्स को कम से कम इतनी सैलरी जरूर मिले जिससे वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर लें और अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस वो अच्छी जिंदगी के म्यार को बरकरार रख सकें नेक्स्ट है डिमांड द मैनेजमेंट टू प्रोवाइड ऑल द बेसिक फैसिलिटीज सच सचेस लाइटिंग एंड वेंटिलेशन सैनिटेशन रेस्ट रूम्स सेफ्टी इक्विपमेंट्स वाइल्ड डिस्चार्जिंग हेजिडियस ड्यूटीज ड्रिंकिंग वाटर रिफ्रेशमेंट मिनिमम वर्किंग आवर्स लीव एंड रेस्ट

बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि वो वर्कर्स की जॉब सिक्योरिटी को इंश्योर करवाती है ऐसा नहीं है कि जब मैनेजमेंट का दिल किसी वर्कर को नौकरी से निकाल दिया बल्कि ट्रेड यूनियन अपने तमाम वर्कर्स की जॉब को सिक्योर करने के लिए लगातार मैनेजमेंट से निगोशिएट करती रहती है और अगर किसी को निकालना भी है तो उसके लिए भी बाकायदा एक प्रोसीजर जो है वो डिवाइस किया जाता है नेक्स्ट है प्रोटेक्ट वर्कर्स अगेंस्ट एक्सपालाइटेशन एंड विक्टिमाइजेशन बाय कैपिटलिस्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ट्रेड यूनियन के है कि एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जाए ताकि इंप्लायर या बिजनेस ऑनर्स वर्कर्स के साथ किसी भी किस्म का अनफेयर ट्रीटमेंट ना करें किसी भी किस्म का कोई अब्यूज ना हो ना ही कोई डिस्क्रिमिनेशन हो बल्कि इस बात पर जोर दिया जाता है कि तमाम वर्कर्स को रिस्पेक्ट और फेयर कंपनसेशन के साथ ट्रीट किया जाए और किसी भी किस्म का मिस ट्रीटमेंट ना हो वर्कर्स के साथ नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है सिक्योर फॉर वर्कर्स अ सेम मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्री डेमोक्रेसी देअर बाय बार्गेनिंग अबाउट अ न्यू सोशल ऑर्डर देखिए अपार्ट फ्रॉम सैलरी एंड अदर फाइनेंशियल बेनिफिट ट्रेड यूनियन यह भी कोशिश करती है कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी डिसीजन मेकिंग है उसमें वर्कर्स की राय को लाजमी शामिल किया जाए बिफोर इट्स इंप्लीमेंटेशन फॉर एग्जाम्पल स्केजुअल ऑफ वर्किंग ऑर्स अडॉपन ऑफ न्यू टेक्निक्स वगैरह तो उसका नतीजा ये निकलता है कि इससे इंडस्ट्री में जो डेमोक्रेसी है वो प्रमोट होती है और लेबर को भी ये वैल्यू मिलती है कि यस उनकी बात को भी माना जा रहा है क्योंकि असल स्टेक होल्डर तो वो है इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज या एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क जो है वो तो उन लोगों ने करना है तो लिहाजा चूंकि वो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं तो उनकी से उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है ऑरिशन की डिसीजन मेकिंग में लाजमी है तो ट्रेड यूनियन जो है वो मैनेजमेंट से इस चीज के ऊपर निगोशिएट करती है कि आपने कोई भी नई पॉलिसी या कोई भी नई टेक्निक आपने अडॉप्ट करनी है तो उसमें वर्कर्स की विलिंगनेस होना या वर्कर्स की इनपुट होना वो भी लाजमी है नो लेट्स डिस्कस फंक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन इसमें सबसे पहले है कलेक्टिव बार्गेनिंग विद मैनेजमेंट टू सेटल टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ट्रेड यूनियन का सबसे पहला काम होता है कि वर्कर्स की एम्प्लॉयमेंट की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनके हवाले से मैनेजमेंट से निगोशिएट किया जाए

कि ऑपरेशनल लेवल पर वर्कर्स काम कर रहे होते हैं वो रियल डायनेमिक्स को अच्छे से समझते हैं इसलिए वो मैनेजमेंट को बेहतर राय दे सकते हैं ताकि ऐसी पॉलिसीज बने जिससे मैनेजमेंट का भी फायदा हो और वर्कर्स का भी नेक्स्ट फंक्शन है टेकिंग अप द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव ग्यूवंसिस ऑफ द वर्कर्स विद मैनेजमेंट ट्रेड यूनियन वर्कर्स की कलेक्टिव गुवेंसेज को तो डील करती है लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल वर्कर को मैनेजमेंट से कोई शिकायत है इस तो सिलसिले में ट्रेड यूनियन के पास आता है तो यूनियन की जो गवर्निंग बॉडी के अहदेदार होते हैं यानी कि ट्रेड यूनियन की जो लीडरशिप होती है वो उसकी बात को सुनते हैं और अगर उनको ये लगता है कि इस मामले को मैनेजमेंट के साथ टेकअप करने की जरूरत है तो वो लाजमी मैनेजमेंट के साथ वर्कर की ग्रिपांस को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट है प्रोवाइड रिक्रिएशन स्पोर्ट्स एंड अदर वेलफेयर फैसिलिटीज फॉर देयर मेंबर्स चूंकि ट्रेड यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं तो ट्रेड यूनियन अपने तमाम मेंबर्स और उनकी फैमिलीज के लिए वेलफेयर के काम भी करती है जैसे कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना स्पोर्ट्स एक्टिविटीज वगैरह अरेंज करना या कोई डे सेलिब्रेट करना और अपने मेंबर्स और जो मेंबर वर्कर्स होते हैं और उनकी फैमिली के लिए तालीमी सरगर्मियों के लिए कोई एक्टिविटीज अरेंज करना इस सिलसिले में ट्रेड यूनियन बाकायदा मैनेजमेंट से निगोशिएट भी करती है और अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फाइनेंशियली साउंड है तो वो वर्कर्स के बच्चों के लिए स्कूल डिस्पेंसरी वगैरह भी इस्टेब्लिश करवाती है तो ट्रेड यूनियन का बेसिकली इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को अरेंज करवाने का मकसद ये होता है कि वर्कर्स की ट्रेड यूनियन के लिए जो बिलोंगिंगनेस है ना वो डेवलप रहे और वो यूनियन के साथ जुड़े रहे ताकि एक एलिमेंट ऑफ पावर जो है वो रिफ्लेक्ट होता रहे नेक्स्ट फंक्शन है ऑर्गेनाइज डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्राइक और अदर फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट टू प्रेस द डिमांड ऑफ वर्कर्स देखिए ट्रेड यूनियन जब ये देखती है कि नेगोसिएशन या कलेक्टिव बार्गेनिंग से कोई बात नहीं बन रही और मैनेजमेंट किसी भी सूरत में कोई भी बात सुनने या मानने के लिए तैयार नहीं है तो ऐसे में स्ट्राइक करना घिराव जलाओ करना बाइकआउट करना ये सब ट्रेड यूनियन कर सकती है ताकि मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर बिल्ड हो और वो वर्कर्स के मुतालबात मान ले और वर्कर्स के यहां जो इंटरेस्ट हैं वो प्रोटेक्टेड रहें नेक्स्ट है सिक्योर लेजिस्लेटिव प्रोटेक्शन फॉर द वर्कर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट खिये ट्रेड यूनियन का यह इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो इस बात को इंश्योर करवाती है कि जो लॉज गवर्नमेंट ने बनाए हैं रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ लेबर एट वर्क प्लेस उनको इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट मैनेजमेंट से इंप्लीमेंट करवाया जाए और वर्कर्स को एक लीगल जो प्रोटेक्शन जो मिल जाए अब प्रीवियसली हमने जितने भी ट्रेड यूनियन फंक्शंस को डिस्कस किया है उनको तीन मेन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है जिसमें सबसे पहले है मिलिटेंट फंक्शन देन रिटर्नल फंक्शन और लास्ट है पोलिटिकल फंक्शन तो सबसे पहले मिलिटेंट फंक्शन को डिस्कस करते हैं इसमें है सिक्योर बेटर कंडीशन ऑफ वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट देखिए ट्रेड यूनियन का मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो वर्कर के लिए बेटर इंप्लायमेंट को सिक्योर करें जिसमें वर्कर्स के लिए फाइनेंशियल बेनिफिट्स या गुड वर्किंग एनवायरमेंट या किसी दूसरे मामले पर बातचीत करना शामिल है बट वेन फेल पुट अप फाइट विद द मैनेजमेंट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्राइक बाइकऑट घिराव एटसेट्रा अब जब ट्रेड यूनियन इन मामला के वाले से मैनेजमेंट से हर तरह की बारगेन या निगोसिएशन में फेल हो जाती है यानी कि मैनेजमेंट ट्रेड यूनियन की बात नहीं मानती देन ट्रेड यूनियन मैनेजमेंट को अपना मिलिटेंट फंक्शन शो करती है जिसमें हड़तालें काम का बाइकआउट करना इवन जलाओ घराव वगैरह भी हो सकता है जिससे हालात और ज्यादा खराब हो जाते हैं जो एक दुश्मनी की शक्ल में बदल जाते हैं दूसरा फंक्शन है फ्रिटर्नल फंक्शन जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी कहा कि ट्रेड यूनियन अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल गेम्स फॉर वर्कर्स वो वर्कर्स के लिए उनकी और उनकी फैमिलीज के लिए वेलफेयर के काम भी करती है और इस तरह कई तरह की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को भी अरेंज करवाया जाता है और इवन दैन प्रोटेक्शन ऑफ फीमेल्स वर्कर्स फ्रॉम हरासमेंट और डिस्क्रिमिनेशन और जो खासतौर पर फीमेल्स वर्कर्स हैं उनको उनकी वर्क प्लेस पर किसी भी किस्म की हरासमेंट या डिस्क्रिमिनेशन से बचाने का भी काम करती है एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वर्कर इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी स की अगर कोई इमरजेंसी हो जाए चाहे कोई स्ट्राइक है या स्पेसिफिकली अगर कोई इंडिविजुअल किसी या किसी हादसे की की वजह वजह से से या इंसिडेंट काम नहीं कर पा रहा तो उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस वगैरह प्रोवाइड करना भी ट्रेड यूनियन का काम है Next है नेक्स्ट पोलिटिकल फंक्शन सीक अलायंस विद पोलिटिकल पार्टीज फॉर बेटर प्रोटेक्शन देखिए वूमन ट्रेड यूनियन ये कोशिश करती है कि उन्हें किसी ना किसी पोलिटिकल पार्टी की सपोर्ट मिल जाए इससे वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है फिर जब वो पोलिटिकल पार्टी

तो फिर इंडिविजुअल एम्प्लॉ के पास एक ही रास्ता बचता है कि वो अपनी जॉब से रिजाइन कर दे और किसी दूसरी जगह काम शुरू कर दे और अगर वहां पर भी यही सिलसिला चलता रहता है तो फिर रिजाइन रज, और नई जॉब वाला एक नया मामला स्टार्ट हो जाता है जो किसी भी वर्कर के लिए माली और जेनी दबाव का बायस बनता है तो इसलिए बेहतर है कि किसी यूनियन को ज्वाइन कर लिया जाए जिससे यूनियन की बार्गेनिंग पावर बढ़ती है और यूनियन की तरफ से हड़ताल या बायकॉट की धमकी एक ऐसा पावरफुल टूल है जो एम्प्लायर को यूनियन के मुतालबात मानने पर मजबूर कर देता है नेक्स्ट है मिनिमाइज डिस्क्रिमिनेशन देखिए ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लाइज की सैलरी ट्रांसफर या प्रमोशन वगैरह के जो डिसीजन होते हैं वो बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव इन नेचर होते हैं सब्जेक्टिव इन नेचर से मराद है कि फैसले फैक्ट्स की बजाय पर्सनल ओपिनियन या फीलिंग्स की बेस पर लिए जाते हैं और अगर सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट के दरमियान कोई पर्सनल रिलेशनशिप है तो वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है मैनेजमेंट को जिससे चांस ऑफ फ्यम या डिस्क्रिमिनेशन बढ़ जाता है तो इस सिलसिले में ट्रेड यूनियन अपना रोल प्ले करती है और वो मैनेजमेंट को कंपेल करती है कि तमाम वर्कर्स को इक्वली ट्रीट किया जाए और वो मैनेजमेंट के तमाम डिसीजंस को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं ताकि कि किसी भी किस्म का एलिमेंट ऑफ फेवरेटिजम या डिस्क्रिमिनेशन जो है वो पैदा ना हो नेक्स्ट है सेंस ऑफ सिक्योरिटी वर्कर्स यूनियन इसलिए भी ज्वाइन करते हैं कि उनका यह ख्याल है कि यह सबसे इफेक्टिव वे है अपनी जॉब को सिक्योर करने का क्योंकि यूनियन का हिस्सा बनकर वो एक स्ट्रॉग बार्गेनिंग पावर रखती है और इंप्लायर से अपने फाइनेंशियल गेन्स के अलावा दीगर इश्यूज़ पर भी बातचीत करके अपने मुतालबात मनवा सकते हैं और अगर इंप्लायर किसी इंप्लाई को नौकरी से फारक भी करता है तो ट्रेड यूनियन एक शील्ड के तौर पर सामने आती है और वर्कर्स को उसकी जॉब रिस्टोर करवाती है मजीद यह कि ट्रेड यूनियन मैनेजमेंट को इस बात पर भी कंपेयर करती है कि वर्कर्स की वेलफेयर के लिए काम किया जाए तो लिहाजा यह तमाम फैक्टर्स वर्कर्स को सेंस ऑफ सिक्योरिटी फराहम करते हैं जिसकी वजह से वर्कर्स जो हैं वो फॉरी यूनियंस को ज्वाइन कर लेते हैं नेक्स्ट है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस देखिए अक्सर इंप्लाईज ट्रेड यूनियन इसलिए भी ज्वाइन करते हैं क्योंकि उनके दूसरे साथी यूनियन का हिस्सा होते हैं तो वो अपने ग्रुप प्रेशर की वजह से वो ट्रेड यूनियन को ज्वाइन कर लेते हैं और अगर कोई इंप्लाई यूनियन को ज्वाइन नहीं करता तो फिर उसे अपनी वर्क प्लेस पर काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है और जो ज्वाइन जो करते हैं तो उन्हें अपने बाकी साथियों से रिस्पेक्ट मिलती है बिलोंगिंगनेस मिलती है और वो इवन आपस में अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं और यूनियन के लीडर्स तक अपने मुतालबात पहुंचाते हैं ताकि मैनेजमेंट से सिलसिले में बातचीत की जाए नेक्स्ट है स्ट्रेंथ इन यूनिटी देखिए बात दुरुस्त है कि अकेले मैनेजमेंट या ट्रेड यूनियन कुछ नहीं कर सकती और अगर दोनों आपस में मिलकर एक दूसरे की नीड्स और वैल्यूज का ख्याल रखें और फिर मिलकर काम करें तो यकीनन ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव कर लेती है और इसका दूसरा परस्पेक्टिव यह है कि जब इंप्लाइज ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ इंडिविजुअल गेल नहीं है बल्कि इट इज अबाउट बींग पार्ट ऑफ लार्जर मूवमेंट दैट स्टैंड फॉर सॉलिडेरिटी इक्वेलिटी एंड जस्टिस इन द वर्क प्लेस एंड सोसाइटी एज होल तो लिहाजा जब कोई वर्कर यूनियन को ज्वाइन करता है तो वो तमाम वर्कर्स की कलेक्टिव स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट करता है लास्टली अब हम डिस्कस करते हैं मेजर क्रिटिसिज्म ऑन ट्रेड यूनियन देखिए ट्रेड यूनियन के ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है जिसकी बहुत सारी वजूहत हैं जैसे रेजिस्टेंस टू चेंज ट्रेड यूनियन हमेशा किसी भी चेंज को रेजिस्ट करती है इवन अगर मैनेजमेंट वर्कर्स के लिए कुछ भी अच्छा कर रहे होते हैं तो इसके बावजूद भी ट्रेड यूनियन मैनेजमेंट को क्रिटिसाइज करती है क्योंकि ट्रेड यूनियन को इस बात का डर होता है कि उनकी अहमियत ना खत्म हो जाए इसलिए ट्रेड यूनियन किसी भी नए चेंज को अडॉप्ट नहीं करती बल्कि उल्टा उसको क्रिटिसाइज करती है नेक्स्ट क्रिटिसिज्म एंड यूनियन लीडर्स में गेट पर्सनल बेनिफिट्स अक्सर यूनियन लीडर्स अपनी पोजीशन का मिसयूज करते हैं और वो मैनेजमेंट से अपने पर्सनल बेनिफिट्स हासिल करके वर्कर्स के इंटरेस्ट को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में यह देखने में आता है कि यूनियन लीडर्स इंटरनली मैनेजमेंट के साथ डील कर लेते हैं जबकि वर्कर्स को वो एक्सप्लाइट कर लेते हैं एक्सप्लाइट करते रहते हैं और जिसका नतीजा ये निकलता है कि मामला जो है वो बेनतीजा साबित होते हैं और वर्कर्स को ये लगता है कि मैनेजमेंट ने उनकी बात ही नहीं मानी इसी तरह से नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है ओवर यूज ऑफ स्ट्राइक्स बाइकॉट एक्सेट्रा में कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल लॉस देखिए ज्यादातर ट्रेड यूनियन अपने मुतालबात को मनवाने के लिए मिलिटेंट फंक्शन को यूज करती है जैसे हड़तालें करना बाइकॉट करना वगैरह और इन मिलिटेंट फंक्शन का ओवर यूज प्रोडक्शन लॉसेज पैदा करता है जिससे अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल लॉस होता है क्योंकि मैनेजमेंट का ये ख्याल है कि ट्रेड यूनियन सिर्फ बाइकॉट करती है हड़ताल करती है वो ब्लैकमेल करते हैं और नतीजा क्या निकलता है कि मैनेजमेंट ट्रेड यूनियन की रिकॉग्निशन को ज्यादा वैल्यू नहीं देती लास्ट है हाई डिमांड्स ऑफ यूनियन बट इन रिटर्न लो प्रोडक्टिविटी इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रेड यूनियन का काम है कि वो मैनेजमेंट से वर्कर्स की बेहतर सैलरी और वर्किंग कंडीशन के हवाले से बातचीत करें और इनकी फुलफिलमेंट के लिए मैनेजमेंट से निगोशिएट करती रहती है लेकिन जब मैनेजमेंट यूनियन के तमाम मुताबा मान लेती है तो इन रिटर्न मैनेजमेंट भी एक्सपेक्ट करती है कि वर्कर्स अपनी प्रोडक्टिविटी को इनक्रीज करें लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता वर्कर्स की सैलरी बढ़ जाती है उनको अच्छा वर्किंग कंडीशन जो है वो मिल जाती है लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी वैसी की वैसी रहती है जिसका नतीजा ये निकलता है कि आइंदा मैनेजमेंट जो है वो यूनियंस के किसी किस्म के मुताबा को नहीं मानती बल्कि उल्टा उनको इग्नोर कर देती है उम्मीद करता हूं आज आपने ट्रेड यूनियन के बारे में अच्छे से समझ लिया होगा हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक like कीजिएगा शेयर कीजिएगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें स्टेबलेस्ट